बुआजी क्या हुआ? बुआजी मेरी बात छोड़ मेनू, कुछ नहीं सुनना है मुझे। बुआजी प्लीज प्लीज मुझे बताइए क्या हुआ, आप क्यों इतना परेशान है? अभी तो सब ठीक था। पागल समझ रखा है मुझे? तुझे क्या लगता है, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बुआजी हुआ क्या? आप क्या हुआ, तुझे क्या हुआ है? हाँ अरे तेरे साथ ऐसा क्या कर दिया उसने? बुआजी आप क्या कहना क्या चाह रही है? ऐसा झूठ बोलना है मेरे साथ फिर से एक बार झूठ तो हम बात ही क्यों कर रहे हैं? टाइम क्यों वेस्ट करना है तेरा और मेरा? बुआजी वो आराम से बुआजी एक सेकंड, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं और इस बार तो कुछ ज्यादा ही नाराज है, लेकिन बुआ जी आप तो मेरी बुआ हैं, अगर आप मुझे नहीं समझाएंगी तो फिर कौन समझाएगा? आप समझाइए मुझे, मैं आपकी बात समझूं। आप बताइए मुझे क्या हुआ? देख पुत्र, मुझे ना बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर, क्योंकि मैनू बहुत गुस्सा आता है जब कोई मैनू बेवकूफ करार करने की कोशिश करता है। बचपन से पाला है तुझे, तेरी रग रग से वाकिफ हूं और मैं सिर्फ तेरा भला चाहती हूं। जिन्ना तेरी मां नहीं सोचती ना तेरे बारे में, उससे ज्यादा मैं सोचती हूं तेरे बारे में। उसे तो तेरी गृहस्थी ठीक ही लगती है, सब कुछ सही लगता है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही उसे तेरी गृहस्थी में, लेकिन मुझे नजर आ रही है और तू भी जानता है कि मैं सच जानती हूं। मुझे पता है कि तेरी गृहस्थी कैसे चल रही है, हाँ ये बात अलग है कि तू झूठ बोलता रहता है और मैं तेरा झूठ पकड़ती रहती हूं, लेकिन मैं बेवकूफ मत बना क्योंकि मुझे सख्त नफरत है इन बातों से, ठीक है? बुआजी मैं अरे तू टंडन खानदान का मर्द है, समझा? क्या एक लड़की के पीछे भाग रहा है बोलते हुए कि अरे मुझे लाइक करो, मुझे प्यार करो, मुझे पसंद करो, मुझे दिल में जग, क्या है ये सब अक्षय? आप गलत समझ रही, मैं प्राची से सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। ओए होए। और बुआ जी मैं उसके लिए जो भी करता हूँ ना वो बिल्कुल दिल से करता हूँ, सच्चे दिल से। और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ बुआ जी कि जैसा प्यार मैं उससे करता हूँ वैसा ही प्यार वो भी मुझसे करे। मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता, क्योंकि जबरदस्ती वाले प्यार में बुआ जी सिर्फ मजबूरी होती, सच्चा प्यार नहीं। कैसी बातें कर रहा है तू, हाँ जरा खुद को देख, कैसी पिकारी है तू, हाँ जो प्यार की पीक मांग रहे। और पता है ना, अगर पिकारी है तो पिकारियों को क्या मिलता है? नोट नहीं मिलती, चिल्लर मिलती है, चिल्लर। ये मजबूरी जबरदस्ती ये सब नहीं लग रहा है ना तुझे ठीक, तब तो पीक ही मांगनी पड़ेगी, प्यार की भीख। पिकारी बनना चाहता है तू? अरे ये तेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा है पुत्र, तेरी अकल में घुस क्यों नहीं रहा है कि वो जो औरत है ना वो तुझे इस्तेमाल कर रही है? बुआ बस मैंने बोला, मैंने बोल दिया, अब से ये सब नहीं चलेगा। वो सिर्फ इस्तेमाल नहीं करती रह सकती तेरा, उसे भी रिश्ता निभाना पड़ेगा। टंडन खानदान का मर्द है तू, और ऐसा वैसा नहीं, आज निकल जाए ना तो हजारों लड़कियां मिल जानी है तुझे। उसे तो मिला है, लेकिन उसने बदले में क्या दिया? वो रिश्ता दिया जो तुझे मिलना चाहिए? तू ना एक बार उससे पूछ ले कि कहीं वो तुझे इस्तेमाल तो नहीं कर रही है, जब तक उसका पति वापस उसके पास नहीं आ जाता, कहीं वो अपने पुराने पति के पास वापस तो नहीं जाना चाहती? एक बार पूछ ले उससे, हो सकता है अक्षय देख अपनी बहन को जिसका कोई रिश्ता निभ नहीं रहा था उसका भी रिश्ता बन चुका है, वो भी आगे बढ़ गई अपनी जिंदगी में। तू देख एक बार पुत्र अपने आप को, सोच ले एक बार कि जो तेरी बीवी है वो सच में तेरी बीवी है या फिर तुझे इस्तेमाल करने वाली औरत।
जो तेरे दिल से खेल रही है, और तब तक जब तक उसे वो नहीं मिल जाता जिसे वो चाहती है, सोच ले। तू जवाब नहीं दे पा रहा है ना, क्योंकि अब खुद तेरे दिल में इस रिश्ते को लेकर सवाल है ना? शुक्र है रब का, इसके अंदर का मर्द जागा तो सही। क्या कह रहे थे तुम? साथ में से एक जन्म में भी प्यार नहीं मिला, साथ नहीं मिला। किसकी वजह से रणबीर? तुम्हारी वजह से। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। आज हम साथ नहीं है, इस जन्म में साथ नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। आज हमारे बीच दूरी है, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। आज हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। सब कुछ तुम्हारी वजह से। और बेचारे भी तुम बन रहे हो, पुरानी आदत है तुम्हारी, सब कुछ खुद करते हो, सारी गलतियां खुद करते हो और दूसरे पे इल्जाम लगाते हो, स्पेशली मुझ पर, जैसे कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ। आज हम साथ नहीं है तो मेरी वजह से हुआ, नहीं रणबीर, तुम्हारी वजह से। मेरी कोई गलती नहीं, गलतियां तुमने की और मुझे ब्लेम कर रहे हो, सबके लिए मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हो। जैसी गलती मेरी है, सिर्फ मेरी। प्राची, वो जब हम फेरे ले रहे थे तो मेरी अंगूठी नीचे गिर गई थी, तुमने देखी क्या? 7 साल पहले फेरे लिए थे, गिरी होगी, अब क्यों पूछ रहे हो? एक्चुअली मैं वो मीका के साथ जो अभी फेरे ले रहे थे उसकी बात कर रहे हो तुम? या आई गेट इट, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कुछ बोल सकता हूँ, तुम बुरा नहीं मानोगी? देखो ऐसी बात है तो मत बोलो प्लीज। नहीं देखो, आदत से मजबूर हूँ मैं, जब तक बोलूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, और जब तक तुम नहीं सुनोगी तब तक तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। हमारी जिंदगी में कभी तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं था। तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं था, ना पहले समझा ना तुम अब समझती हो। इसलिए तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ गलत हुआ है वो सब पहले भी मेरी वजह से था और आज भी मेरी वजह से। जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से, तुम ही हो वो जो मैं हूँ। मजबूर मेरे घर से इसी वक्त निकल जाओ, हमारे बीच में सब खत्म हो गया, जाओ यहाँ से, निकलो। कसूर ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर।
कम विद मी। कहाँ? अक्षय? अक्षय? इतना समझाने के बाद भी ऐसे देखती रहे, सारी गलतियां मेरी है, जैसे मैंने अपने जीवन में आज तक कुछ ठीक किया ही नहीं। चलो हाँ बाय, ठीक है। अरे सुनो ना गाइस, तुमने प्राची को देखा क्या कहीं पे? प्राची? या मेहका? प्राची, उसके पास एक्चुअली मेरा कुछ सामान है, मेरी अंगूठी उसके पास है। कहाँ है वो? ओह, वो भाई भाभी उस रूम की तरफ गया। उस रूम? यस। थैंक यू। यू आर वेलकम। बाय। अक्षय, ये उसे भी रिश्ता निभाना पड़ेगा। अक्षय कुछ कुछ बोलोगे? कुछ बोलो, ये सडनली कैसे बिहेव कर रहे हो तुम? कहीं वो तुझे इस्तेमाल तो नहीं कर रही? कहीं वो अपने पुराने पति के पास वापस तो नहीं जाना चाहती? कोई बात है बोलो। अक्षय प्लीज से समथिंग, प्लीज कुछ बोलो, क्या हुआ है बोलो, क्या हुआ है? कहीं वो अपने पुराने पति के पास वापस तो नहीं जाना? रिश्ता निभाना पड़ेगा। कौन हूं मैं, क्या हूं मैं, जवाब दो। सिर्फ एक इस्तेमाल करने की चीज? इस्तेमाल कर रही हो मेरा? हाँ, जवाब दो। क्या बोल रहे हो तुम? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? कुछ बताओगे? नहीं प्राची, नहीं, आज मैं कुछ नहीं बताऊंगा। आज तुम मुझे बताओगे क्या चाहती हो तुम? चाहती क्या हो तुम? अरे फॉर गॉड सेक टेल मी, कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। एग्जैक्टली प्राची, मैं यही कह रहा हूं। यहां मेरी जिंदगी बर्बाद होने की कगार पर है, लेकिन हम दोनों को पता ही नहीं कि हम दोनों एक दूसरे से चाहते क्या है। तुम्हें पता है कि तुम मुझसे क्या चाहती? साफ साफ बोलो ना, क्या बात है तुम ऐसे? नहीं प्राची, आज मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आज तुम बताओगी मुझे। बताओ, क्या तुम आज भी अपने एक्स हस्बैंड को मिस करती हो? क्या तुम्हारे दिल में आज भी उसके लिए फीलिंग्स हैं? क्या तुम आज भी चाहती हो कि वो तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाए? बताओ मुझे प्राची, आज भी फील करती हो उसके बारे में, या फिर तुम्हारे दिल के अंदर मैंने थोड़ी सी जगह बना रखी? स्टॉप इट अक्षय, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो? मैं इस तरह तुमसे बात नहीं करूंगी। क्यों बात नहीं करोगी मुझसे? क्योंकि तुम्हारे पास जवाब नहीं है, जवाब नहीं दे सकती मुझे। सवाल पूछा है ना प्राची, एक सवाल, तो उसका जवाब चाहिए मुझे। ये कोई सवाल नहीं है, ये सवाल हो ही नहीं सकता, हमारे बीच ये सवाल नहीं आना चाहिए। Oh really? I'm really sorry man, ये सवाल बीच में नहीं आना चाहिए था, you're right। लेकिन प्राची प्रॉब्लम ये है कि ये सवाल अब बीच में आ गया। इंसान हूं प्राची, दिल है, फीलिंग्स है, दुख होता है। अरे तुम छोड़ो यार ये सब, तुम सिर्फ मुझे इतना बोल दो कि हाँ अक्षय, आज भी मैं उसके लिए फील करती हूँ, बात खत्म। और क्या ये उस इंसान बोलते रहते हैं हम? कोई नाम तो होगा ना जिस इंसान के लिए हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, यहां तक कि तुम उसके लिए रोती हो, उसे मिस करती हो, एटलीस्ट मुझे उसका नाम तो बता दो। बताओ उसका नाम, वो इंसान जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हें आज तक खुशी का सांस नहीं दिया, अरे यहां तक कि तुम्हारी बेटी भी तुमसे छीन ली, तुम उसके लिए रोती हो, उसके लिए अटकी हुई हो, उसके लिए फील करती हो, और एक तरफ मैं हूं, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने न्योछावर करती, जो तुम बोलती हो यस प्राची, जो तुम बोलती हो यस प्राची, सब कुछ करता हूं। तो प्राची, उस इंसान का नाम जानने का हक है मुझे। नाम बताओ उसका, नाम बताओ उसका। रणबीर कोहली, रणबीर कोहली नाम है मेरा। बता दूंगी, सब बता दूंगी, नाम ही क्या, पूरी कहानी बताऊंगी, कौन था वो, कहां मिला था, क्या फील करती थी उसके लिए, कैसा था वो, सब बताऊंगी। पर और मैं भी सब सुनूंगा प्राची, आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हारी पूरी कहानी सुनूंगा आराम से, इत्मीनान से, लेकिन फॉर गॉड सेक, फॉर माय मेंटल पीस, मेरे मानसिक संतुलन के लिए एटलीस्ट इतना बता दो कि तुम उसके लिए क्या फील करती हो, सिर्फ इतना जवाब दे दो।
जवाब नहीं होगा ना, एज यूजुअल हमारी प्राची के पास जवाब नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, मैं इसको सिंपल कर देता हूं, आसान कर देता हूं तुम्हारे लिए। लो प्राची, एक हाथ चुनो, अगर तुम उस इंसान के लिए मुझसे ज्यादा फील करती हो तो मेरा दाया हाथ चुनो, और अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए उससे ज्यादा फीलिंग्स हैं तो मेरा बाया हाथ चुनो। हक बनता है प्राची, इतना तो कर ही सकती हो ना मेरे लिए, चुनो। हाथ चुनो प्राची, एंड आई प्रॉमिस यू आज के बाद मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, कोई जवाब नहीं मांगूंगा, बस तुम हाथ चुनो, इतना तो कर सकती हो ना मेरे लिए। अक्षय तुम पहले शांत हो जाओ, प्लीज मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। अरे शांति के लिए तो कर रहा हूं ना प्राची ये सब, अपने दिमागी सुकून के लिए कर रहा हूं ये सब। तुम सिर्फ एक काम करो, मेरा एक हाथ चुन लो और मैं जिंदगी भर के लिए शांत हो जाऊंगा, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, जिंदगी भर के लिए शांत हो जाऊंगा, बस तुम्हें हाथ चुन लो। बताओ आज भी फील करती हो उसके बारे में? बताओ प्राची, तुम आज भी अपने एक्स के बारे में फील करती हो? क्या आज भी तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि क्या तुम उसे इतना मिस करती हो कि अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम उसके पास चली जाओ और मुझे छोड़ो, ये भूल जाओ, जो भी कुछ कहा मैंने सब भूल जाओ, बस तुम बस हाथ चुनो प्राची, दाया हाथ अगर उसके लिए फील करती हो या फिर बाया हाथ अगर मेरे लिए फील करती हो। चुनो प्राची, दाया हाथ अगर तुम उसे ज्यादा प्यार करती हो और बाया हाथ अगर तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती हो। चुनो प्राची, तुम ही चुनो, चूज करो। क्या हो रहा है दायना बायना, एवरीथिंग ओके? तुम लोग ठीक हो? एक्चुअली मैं बहुत खराब एक्टिंग कर रहा हूँ यार, मुझे सब पता है, मैंने सुन लिया। अगर वो दायां हाथ पकड़ेगी तो इसका ये मतलब है कि वो अपने एक्स से अभी भी जुड़ी हुई है, अगर वो बायां हाथ पकड़ेगी तो शायद ये मतलब है कि वो तुमसे जुड़ी हुई है। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, जैसे तुम जानते हो कि मैं लव गुरु हूँ और मैं इन चीज़ों में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, सो लेट मी हेल्प यू। मुझे लगता है प्राची अभी भी अपने एक्स से जुड़ी हुई है। I feel that. Ranbir, you know what? ये हमारा पर्सनल मैटर है, you know, आपस की बात। So I would really appreciate अगर तुम थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। Of course. तुम्हारा पर्सनल मैटर है और ये बोलने के बाद तुमने साबित कर दिया कि मैं तो इस फैमिली के लिए कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, तुम अपनी लड़ाई झगड़ा जो भी तुम कर रहे थे कंटिन्यू करो, ठीक है? ऑल द बेस्ट। आई होप वो बाया ही चुने यार, डेफिनेटली। ऑल द बेस्ट। दायना हाथ चुनना प्राची, प्लीज। इसका मतलब रणबीर भी बिल्कुल सही कह रहा था, हाँ? दीदी आप मुस्कुरा रही हैं? सब ठीक है ना? मेरा मतलब है क्या बात है? नहीं, क्या है ना, इतने दिनों से मुझे अक्षय की चिंता बहुत खाई जा रही थी, आज जाके मुझे
सुकून मिला है। चलो शुक्र है, पहली बार इस पूरे तीज के फंक्शन पे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नजर आई है। बताइए ना दीदी, ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आपके दिल को चैन मिला है और आप इतना मुस्कुरा रही हैं? तुझे क्यों बताऊं? हाँ? फिर तू मेरे बारे में उल्टा सीधा सोचेगी, मुझे कटघरे में खड़ा कर देगी, क्यों बताऊं? दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं ऐसा थोड़ी ना करूंगी। वही तो करती है तू। दीदी बताइए ना क्या बात है। सुनो प्रज, दाया हाथ अगर तुम उसे ज्यादा प्यार करती और बाया हाथ अगर तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते। रणवीर जी, जरा बोलिए कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुझसे एक बात पूछनी थी। पूछे पूछे। तू भी इतना खुश नजर आ रहा है, दीदी भी इतनी खुश नजर आ रही है, मतलब तेरी बुआ वो भी मुस्कुरा रही है, तू भी मुस्कुरा रहा है। उनसे मैंने पूछा, वो तो बताने से रही, कह रही है मैं गलत मतलब निकाल दूंगी। तू बता ना तुम दोनों की खुशी का क्या राज है? मैं अपनी खुशी का तो राज बता सकता हूँ, लेकिन इनकी खुशी का राज मैं शायद गलत बता दूंगी। अब मैं तो अनुमान लगाता रहूंगा, लेकिन सही बात तो ये दिल से बताएंगे ना। खिड़की के बाहर आपने क्या देखा? क्या ठीक है, चल अब बता ही देती हूँ। मुझे ना अक्षय और प्राची के बीच में कुछ टेंशन लग रही है। हाँ ये भी तो था वहीं पर, इसने देखा मुझे उनकी बात सुनते हुए। लेकिन सच यही है कि अक्षय और प्राची के बीच में कुछ तो टेंशन है। टेंशन क्या, झगड़े चल रहे थे, झगड़े। हाँ पता है अक्षय प्राची को किस बारे में पूछ रहा था? किस बारे में? उसके पिछले पति के बारे में। एक सेकंड, मुझे ना आपसे कुछ पूछना है। उन दोनों का झगड़ा हो रहा है, इसका मतलब उनके बीच में बहुत दिक्कत चल रही है ना? ओ दीदी, आप उन दोनों के बीच का झगड़ा देख के खुश हो रही थी? ओ बुआ जी, आप उन दोनों के बीच की प्रॉब्लम देख के इतना खुश हो रही थी? अरे प्रॉब्लम नहीं है, ये जलन है, जलन। और ये सिर्फ जलन भी नहीं थी, झगड़ा हो रहा था। अरे कौन से मियां बीवी है जो झगड़ते नहीं है? और मियां बीवी में झगड़ा जितना तेज होता है ना उतना ही प्यार बढ़ता है। मुझे लगता है उन दोनों में ना प्यार हो गया है, और इसी प्यार के लिए मैं खुश थी। कुछ समझ में आया या फिर से समझाऊं? समझ गई दीदी। हाँ। लेकिन रणवीर तू बता, तू इतना खुश क्यों हो रहा है? खुश हो नहीं रहा है, ये खुश था, अभी देखो शक्ल देखो, अभी ये खुश नहीं है। अब तेरे दिल में क्या चल रहा है तू बता दे डायरेक्ट।